दोस्तों अगर आप टिप्स और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों अगर आप भी अपने स्टेटस बार में किसी बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं, देखिए मैंने अपने स्टेटस बार में यहाँ पर बैकग्राउंड को लगा रखा है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर किस तरह से लगाया है अपने स्टेटस बार में। तो आप भी इस बैकग्राउंड को लगा के अपने मोबाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आइए आज की वीडियो में दोस्तों सीख लेते हैं आज कुछ नया। मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एक ऐप्स को डाउनलोड करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्टेटस बार। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टेटस बार। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये ऐप्स आपको मिल जाएगा, ये आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा स्टेटस बार एंड नोट कस्टम कलर। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इस ऐप्स को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इस ऐप्स को पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। आपको सिंपली डाउनलोड करने के बाद एक ओपन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो बेसिकली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने यहाँ पर शो होगा। तो आपको मैं सिंपल बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पहली बार आओगे इस ऐप्स को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर इसकी परमिशन है ये आपको ऑफ मिलेगी। तो आपको इस परमिशन को यहाँ पर ऑन करना है, ये देखिए आपको कुछ इस तरह से इसकी परमिशन को यहाँ पर ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देख लीजिए दोस्तों और जनल का, तो यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, हमें यहाँ पर ऐड देखने को मिल जाता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये ऐप्स जो फ्री वर्जन का है तो हमें यहाँ पर ऐड भी देखने को मिलता है। हमें क्या करना है, इस ऐड को यहाँ पर स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपके स्टेटस बार में ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, तो आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं ये देखिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर आपको नजर आ रहे होंगे, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पर रख लीजिए। देखिए जितने आप कलर यहाँ पर लगाना चाहो उतने कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और एक बात दोस्तों इस ऐप्स की बहुत अच्छी लगी कि आप इसकी हाइट को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। देखिए हमारी हाइट जितना बड़ा आप करना चाहो इसकी हाइट को उतना बड़ा आप यहाँ पर इसकी हाइट को कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा इतना छोटा भी इसकी हाइट को हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, जिस थीम को आपको लगाना है अपने स्टेटस बार में, जिस बैकग्राउंड इमेज को आपको लगाना है, तो आप इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और वो आपके स्टेटस बार में लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, आप अपनी तरफ से भी कलर को सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आप कलर यहाँ लगाना चाहो वो कलर आप अपना यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए हमें इस ऐप्स में बहुत सारे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये ऐप्स बहुत ही कमाल का है और जेन्युइन ऐप्स है दोस्तों, अभी अभी नया लॉन्च हुआ है। तो आप भी इस ट्रिक को आजमा के अपने स्टेटस बार में बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। देखिए देखने में बहुत कूल लगता है, कोई एक बार अगर देखता है मोबाइल को तो एक बार आपसे पूछे बगैर नहीं रहेगा कि आपने कौन से ऐप्स को डाउनलोड करके यहाँ पर इसको लगाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और देखते रहो टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें।